लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने कहा ताहा को कि तुम्हें तलाक दे दे। अरे आपने उसे इतना प्यार दिया है कि ताहा बिगड़ गया है। उसे लगता है वो मुझे तलाक दे देगा तो मुझे इस घर से जुदा कर देगा। आपको बता दूं, इस घर से अलग करना इतना आसान नहीं है। अगर इस घर से मुझे अलग होना होता तो मैं उसके साथ ही चली जाती। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपना गुस्सा हम लोगों पर क्यों उतार रही हो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं उतार रही हूँ, तुम लोगों को सिर्फ एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तो वो इस घर में वापस आ जाएगा, और क्योंकि वो इस घर का बेटा है तुम सब मिलके एक हो जाओगे। और तुम्हें क्या लगता है, तुम सब मिलके क्या मुझे निकाल सकते हो? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम सबको मिलके इस घर से निकाल दूंगी। अरे तुम क्या निकालोगी हम लोगों को इस घर से? देखो बुरा वक्त कहकर नहीं आता, और हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा वक्त बनकर आई हूँ। तुम्हें सब क्या कह रही हो, होश में तो हो? मैं पूरे होश में हूँ। पूरे नहीं, कुछ ज्यादा ही होश में हो। यही समझ लो, अगर ये बात है तो मुझे बेहोश करना बहुत अच्छी तरह से आता है। अच्छा क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? जिस दिन तुम अपनी औकात दिखाओगी उस दिन मैं बताऊंगी कि मैं क्या करूंगी। मतलब ये कि अगर मैं अपनी औकात पे आई तो तुम मेरे होश उड़ा दोगी? जी हाँ। अच्छा ए लड़के रुकी अपना हाथ, ऐसा ना हो कि रिश्तों की हदें टूट जाए। कोई हरकत मत कीजिएगा। अरे अम्मी आपने क्या इसे अभी समझ रखा है जो आपके जुम्म सहकर भी उफ ना करे। मैं जानती हूँ अबीर, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है, इसीलिए तो बहुत सोच समझकर मैं इनकी बहू बनकर आई हूँ। अगर मैं जरा सी भी कमजोर पड़ती ना तो ये लोग मुझे भी अपनी नजरों में गिरा देते। तो क्या ये लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देखते हैं? तुम्हें कुछ पता ही कहाँ है अबीर, सच्चाई सुनोगी तो आसमान टूट पड़ेगा तुम्हारे सर पर। कैसी सच्चाई? तुमने हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझा है, लेकिन असल में तुम्हारा असली दुश्मन इसी घर में है। किसकी बात कर रही हो तुम? सब, इस घर का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये जो मंतशा है ना, इसे तुम बहुत अपना समझती हो। ये माँ बेटी मिलकर तुम्हारे खिलाफ क्या ढोंग रचा रहे हैं तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मंसूबे बनाते रहते हैं। शादाब, सिर्फ शादाब से शादी करने के लिए इन्होंने तुम्हारे दिल में जगह बनाई। इनका कहना है कि लड़ झगड़ के तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम्हारे दिल में जगह बना लो। अगर मुझ पर यकीन नहीं होता ना तो गुजरे लम्हे याद करके देखो तुम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? लीजिए आप भी आ गई, इन्हीं की कमी थी, लो। देखिए नामी, तू भी कह रही है मंतशा के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, वो मुझे धोखा दे रही है सिर्फ शादाब को हासिल करने के लिए। देखो तुम ये तो देखो कि तुम किससे शिकायत कर रही हो। ये भी कुछ कम नहीं है। जुबी अपने झगड़े में मुझे शामिल मत करो। कोई झगड़ा नहीं हो रहा है अम्बी, फैसले हो रहे हैं, सच और झूठ के फैसले। मैं अबीर को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस घर में कौन उसका अपना है और कौन पराया। लेकिन ये सब कहने की क्या जरूरत है? जब मेरी खुशियां छीनी जा रही हैं, मुझे इस घर से निकाला जा रहा है तो मैं क्यों चुप रहूं? कौन तुम्हारी खुशियां छीन रहा है? कौन तुम्हें इस घर से अलग कर रहा है? आपका नकली बेटा तहा, जिसे आपने नकली माँ का प्यार देके इतना बिगाड़ दिया कि वो अपनी असली माँ से भी दूर हो गया। देखो ये हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। अरे आपस का मामला का क्या मतलब है?
मैं भी इस घर की बहू जैसे अभी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीधी सादी है, कुछ समझती नहीं, और मैं आपकी हर चाल समझ जाती हूँ। कौन कहता है कि हम चाल चल रहे हैं? मैं कहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कौन कितने पानी में है। अबीर, सिर्फ ये दोनों ही तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो भी तुम्हारी दुश्मन है। ज़ुबी, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, इस घर पे कब्जा करके सबको इस घर से बाहर निकालना चाहती हो, ये इल्जाम है? अबीर का साथ तुम सिर्फ इसलिए दे रही हो ताकि ये तुम्हें सपोर्ट करती रहे, ये इल्जाम है? ज़ुबी, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से सच्चाई दब नहीं जाएगी। यहाँ तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है। आप निगार की दुश्मन है, निगार अबीर की दुश्मन है। इन शॉर्ट, हर आदमी एक दूसरे के निशाने पर है। लेकिन आप लोग मुझे अबीर मत समझेगा। मैं जब इस घर में आई थी, अपने सर पे कफन बांध कर आई थी। देखो अबीर, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलना चाहती थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए जीना है। तुम उस पर भरोसा करो या मत करो, ये तुम्हारी मर्जी है। और हां, एक बात और याद दिला दूं, तहा चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो मुझे तलाक नहीं दे पाएगा। और अगर उसने मुझे तलाक दिया तो मैं आप लोगों को फुटपाथ पर ले आऊंगी, और ये मेरा वादा है। ज़ुबी का वादा। यकीन ना करने से क्या होता है अम्मी जान? भाभी जान हारिस भाईजान की बीवी हैं। तुम बीच में मत बोलो, जाओ और अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रही हूँ। वो इस घर की बहू है, चौधरी खानदान की इज्जत है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम चौधरी खानदान की इज्जत पर पर्दा डालें, ना कि उसे उछालें। बड़ी अम्मी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीती हैं, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं। देख लीजिएगा, बहुत जल्दी वो हम सबको इस घर से बाहर निकाल देंगी। ऐसे कैसे बाहर निकाल देगी? तब तक क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? आप कर भी क्या सकती हैं भाभी जान? इस घर का हर शख्स बड़े अबू से डरता है, और इस घर का हर फैसला बड़े अबू करते हैं। लेकिन बड़ी अम्मी ना तो वो बड़े अबू से डरती है, और ना ही उनका कोई फैसला मानती है। नहीं
नहीं नहीं भाभी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे बता दीजिए ना, क्या कहा डॉक्टर शादाब ने? बिलाल के लिए फोन किया था, उसके चेकअप के लिए बुलाया है। कब? आज ही। तो आप जा रही हैं? आज समझ में आ रहा है मंतशा इतनी जल्दी बदल कैसे गई, उसके दिल में मेरे लिए प्यार कहां से पैदा हो गया। मतलबी औरत है वो, अपना मतलब निकालने के लिए उसने मेरे साथ खेल खेला है। आज मुझे उसकी आंखों में फरेब और धोखा नजर आ रहा है। मैं उसे चैलेंज करती हूँ, उसके जज्बात के साथ मैं खिलवाड़ करके रहूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस तरह घूर क्यों रही हैं आप मुझे? आपने क्या जूबी की बातों पर भरोसा कर लिया है? उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने जो सच कहा उस पर भरोसा किया है मैंने। आप गलत कर रही हैं भाभी जान। जूबी हमारे बीच दरार डाल के खुद फायदा उठाना चाहती है, उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। कैसे भरोसा ना करूं? उसकी बातें सुनने के बाद मैंने गुजरे हुए कल को याद किया। जब जब भी तुमने मुझ पर हमदर्दी जताई, मेरे साथ प्यार जताया, तुम्हारी आंखों में मैंने फरेब देखा, मकारी देखी, धोखा देखा। आप गलत सोच रही हैं भाभी जान। गलत सोच रही थी, लेकिन अब सही सोच रही हूं। भाभी जान, अगर मैं गलत होती तो अब तक मैंने आपको कोई तकलीफ क्यों नहीं पहुंचाई? आपसे कोई फायदा क्यों नहीं उठाया? शादाब के दिल में जगह बनाने में मेरी मदद ली, तुम्हारे लिए इससे बड़ा फायदा और मेरे लिए इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? भाभी जान, मत पुकारो मुझे भाभी जान, अब ये लफ्ज मुझे गाली लगने लगी है। तुमने अच्छा नहीं किया मंतशा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। नहीं भाभी जान। चुप जलील। भाभी जान, मैं बहुत बातें सुन चुकी हूँ, अब एक वर्ड भी और नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनोगी? तुम्हें सुनना होगा, तुमने हरकत ही ऐसे की है। तो और क्या करती? आपसे झगड़ा करके तो बात बनने वाली नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको धोखा दिया, आपने जज्बात के साथ खेला। यही तो गलत किया तुमने मंतशा, तुम मेरे जज्बात के साथ खेलती रही और मैं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देती रही। ये आपकी बेवकूफी थी। अब कोई इतनी आसानी से बेवकूफ बन रहा हो और हम उस बात का फायदा भी ना उठाएं, तो अपनी नजर में हम खुद ही बेवकूफ हो गए ना। ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि तुमने जो किया ठीक किया, अब तुम देखती रहो कि मैं क्या करती हूं। तुम्हारा जीना मैं हराम कर दूंगी, तुम्हारी खुशियों को आंसुओं में बदल दूंगी। तुम खून के आंसू बहाओगे मंतशा, खून के आंसू। अगर इसके लिए मुझे अपने जमीर को मानना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। मेरे सब्र को आजमाने के लिए तुम लोगों ने हद पार कर दी, अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी हद कैसे पार की जाती है। क्या हो मंतशा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लगता है अबीर पागल हो गई है, अजीब अजीब सी बातें कर रही है। ये सब उस जूबी की वजह से हुआ है, सारा मामला ठीक चल रहा था लेकिन उस जलील औरत ने जहर उगलकर सारा खेल बिगाड़ दिया। ये सब जूबी की वजह से नहीं,
बशीरा की वजह से हुआ है। जिस दिन से उसने इस घर में आना शुरू किया है उस दिन से कोई ना कोई झगड़ा हो ही रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ कि आपका गुजरा हुआ कल मेरे आने वाले कल को बर्बाद कर रहा है। तो तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मम्मी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ इस बात का एहसास दिला रही हूँ कि इंसान की हुई गलती जिंदगी में कभी ना कभी अपना असर जरूर दिखाती है। इस बात का एहसास मुझे भी है, लेकिन अगर मैं गलती ना करती तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तंग आकर मैं तुम्हें और ताहा को मार डालती और खुद भी मर जाती। दुनिया चाहे ये समझे कि मैंने गलत किया है, गुनाह किया है, लेकिन हालात मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हमने ऐसी खुशियां किस काम की जिसमें झूठ हो, फरेब हो, मक्कारी हो। तुम्हें भी लगता है कि मैंने मक्कारी की? आपने क्या किया ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस वक्त मेरी खुशियां छिन रही है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसकी जिम्मेदारी मैं किसके सर पे डालूं? जूबी के, अबीर के या फिर बशीरा के? कहां का इंसाफ है ये? झगड़ा दूसरे लोगों का और खुशियां मेरी कुर्बान की जा रही है। या अल्लाह, अब मैं किसे क्या कहूं? हर कोई अपने बारे में सोचता है, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हेलो। हाय। कौन? अबीर। ओ अबीर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बताओ फोन कैसे किया? बिलाल की तबीयत तो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या मैं सिर्फ बिलाल के लिए आपको फोन कर सकती हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। कहो। आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, क्या आप इतने बिजी हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते? ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ कब और कहाँ मिलना है। आज पहली बार अबीर ने खुद फोन करके मुझे बुलाया है। क्या बात हो सकती है? अगर मौका मिला तो आज खुलकर अपने दिल की बात कह दूंगा, फैसला ही कर दूंगा हाँ में या ना में। हेलो। हाय, हाउ आर यू? फाइन। तुम्हारा फोन आया तो मैं सोच में ही पड़ गया। आखिर क्या बात हो सकती है जो तुमने मुझे मिलने बुलाया? शादा, बुरा मत मानना, आज मैं एक दोस्त की हैसियत से आई हूँ, इसलिए मैंने तुमसे डॉक्टर नहीं कहा।